इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑफ़ कंज्यूमर प्रेफरेंस अंडर द चैप्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एग्जीम्स ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्चुअली आर दोस्ट प्रिंसिपल्स और द पिलर ऑन विच द कंज्यूमर प्रेफरेंस थ्यूरी इट स्टैंड या अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो ये कि ये वो बुनियादी हकैक हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रेफ्रेंस की थ्यूरी में जब हम मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स डिज़ाइन करते हैं हम डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं या हम मुख्तलिफ डिसीजंस कर रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो जब तक ये वाले हकायक या बुनियादी जो कह लें कि हम उसके असूल जो हैं वो हमने जो वज़ा किए हुए हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं होंगे तो कंज्यूमर प्रेफ्रेंस की थ्यूरी की जो फर्दर डिटेल्स हैं या अनैलिस हैं वो मुमकिन नहीं होंगे अब अगर हम उसमें देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो से तीन ऐसे असूल हैं जिनको हम लाजमी तौर पे अज्यूम करते हैं और उसको अंडरस्टूड समझते हैं कि जब कंज्यूमर कुछ भी डिसीजन कर रहा है वो सारफ जो मार्केट में है उसके अंदर एटलीस्ट ये प्रॉपर्टीज़ उसके फैसले के पीछे मौजूद होती तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट जब भी फ़ैसला देंगे तो वो कुछ अजम्पन करेंगे जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफ कंज्यूमर सबसे अहम चीज़ है तो जो कंज्यूमर जो भी फ़ैसला कर रहा है वो उसी चीज़ के बारे में अपने फ़ैसले के बारे में मुस्तकम रहता है और अपनी तरजीह को कंसिस्टेंट रखता है फ़्लो में रखता है वो बार बार तब्दील नहीं कर रहा और ये वो सिचुएशन है जिसमें एक बंडल ऑलवेज प्रेफर टू द अदर बंडल और फिर वो वाला बंडल अगर हम कहें कि किसी और टाइम पे अगर हम कहें कि वो किसी और वक्त और जगह पे वो वाला बंडल हो सकता है बंडल ए के ऊपर प्रेफर हो अगर ये वाली सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि कभी ए सिचुएशन को उसने बी पे प्रेफ़र किया और कभी बी वाले बंडल को बंडल ए पर प्रेफर किया तो अगर हम इस दोनों से नतीजा अखज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि वो दोनों की तरफ प्रेफरेंसेस रखता है और इनके दरमियान में वो इनडिफरेंट है तो कीपिंग इन व्यू अदर इंफॉर्मेशन वो इनमें से किसी को भी परचेज कर सकते तो इससे ये वाजिया होता है कि उसका जो भी कंज्यूमर का बिहेवियर है वो डिफ़रेंट टाइम्स पे जैसा भी होगा उससे जो इंफॉर्मेशन हम इन्फ़र करते हैं अखज़ करते हैं उसकी बेस के ऊपर हम कुछ फैसले करेंगे अब उसके बैक एंड पे जो असूल हैं हम उसके बारे में आते हैं तो बेसिकली तीन पिलर्स हैं जो हमारे असूलों के हैं नंबर वन कम्प्लीटनेस नंबर टू रिफ्लेक्सिविटी एंड थर्ड इज़ ट्रांजिटिविटी कम्प्लीटनेस से क्या मुराद है जब हम कम्प्लीटनेस की बात करते हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को मुकम्मल तौर पर ले रादर हम यहाँ पे जब भी डील करेंगे ये एक कमोडटी की नहीं कंजम्पन बंडल की बात होगी तो वेन वी विल से कंजम्पन बंडल ए और द कजम्पन बंडल बी तो इन दैट कंजन बंडल देयर कैन बी वेरियस कम्बिनेशन ऑफ कमोडी वेरियस गुड्स कैन बी इन दैट कम्बिनी अब जो एक कंज्यूमर का बंडल है उसके बारे में वो जब भी फैसला करेगा जो उसकी तरजीह है वो कम्प्लीट होनी चाहिए यहाँ पे कमोडिटी या बंडल के कंप्लीट होने के नहीं रादर तरजीह के कंप्लीट होने की बात होगी तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो तरजीह कंप्लीशन तभी मुमकिन है जब वो दोनों बंडल्स का कंपैरिजन करे तो कंप्लीटनेस के अंदर हम कहेंगे कि दो बंडल्स दो कम्बिनेशन के अगर हैं तो वो उनको कंपेयर करेगा और फिर उन दो में से वो एक वाजिया डिसीजन करेगा जिसको उसने प्रेफरेंस देनी है क्यों वो उन दोनों के दरमियान इन बिटवीन वाला फ़ैसला नहीं करेगा वो आयदर एक बंडल को प्रेफर करेगा या दूसरे बंडल को प्रेफर करेगा तो किसी भी बंडल के बारे में तरजीह पसंद या नापसंद ये वो उसके इजहार हैं तो ये उसके इजहार ये मुकम्मल होने चाहिए और वाजिया होने चाहिए और उसके इस फैसले को जब भी हम देखें ये उसकी बेटरमेंट के लिए है या नहीं है लेकिन कीपिंग इन व्यू हम कहेंगे कि उसकी कि उसकी रैशनल चॉइस है कीपिंग ऑल अदर थिंग्स थिंग सेकेंड अगर हम जाते हैं रिफ्लेक्सिविटी तो यह रिफ्लेक्शन से अखज किया गया है तो इससे मुराद ये है कि एक मिरर का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा सो so, तो रिफ्लेक्सिविटी कि इफ देयर कैन बी वन बंडल ऑफ द वेरियस कमोडिटीज और अगर उसी बंडल का हम मिरर लें तो वो उसी बंडल का दूसरा है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो सिमिलर हमारे पास बंडल सामने अगर हों तो हम कह सकते हैं कि उनमें से किसी एक बंडल को कंज्यूमर अलहदा सफर करेगा दूसरे को अलहदा तस्वर करेगा दोनों में एक ही जैसी कमोडिटीज़ हैं एक ही जैसी क्वालिटी की हैं लेकिन अगर वो दोहदा आहदा जगहों पे हैं तो कंज्यूमर के लिए वो दोदा बंडल्स तो वो एक बंडल और गुड्स का हो या सर्विसेज का हो वो हमारी कंसेप्ट ये कहता है कि उसमें को वो वैसी ही तरजीह देगा जैसी कि वो उसी तरीके के सिमिलर नेचर के दूसरे बंडल को देगा और अगर उसको मार्केट में दोनों से सामना पड़ गया है तो उन दोनों को कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि वो दोनों सिमिलर हैं लेकिन वो फिर भी कंपेयर करके चेक करेगा कि यस दोनों के फीचर दोनों की क्वांटिटी, दोनों की क्वालिटी सेम है और तीसरी ये है कि इसमें जो वैल्यू है वो है क्वांटिटी की तो कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा और वो उस बंडल को प्रेफर करेगा जिसमें गुड्स ज़्यादा होंगी वाजिया रहे कि ये हम उन दो बंडल्स के दरमियान बात कर रहे हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं अगर किसी और बंडल में कमोडिटीज की नेचर बदल जाती है यानी अगर एक कंबिनेशन हमने पहले भी देखा कि अगर माल्टा जमा सेब है और दूसरा भी माल्टा जमा सेब है तो वो ग्रुप जिसमें इनकी तादाद ज़्यादा होगी वो इसको प्रेफर करेगा लेकिन अगर एक और बंडल ऐसा है जिसमें माल्टा और सेब की बजाय माल्टे के साथ कोई दूसरा फल आ जाता है तो ये बिल्कुल तीसरा बंडल बन जाएगा वो इसमें तादाद बेशक ज़्यादा हो इसका डिफरेंस पिछले के साथ वलहदा तरीके से करें तीसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिविटी और इसको अगर हम देखें तो ट्रांजिटिविटी ट्रांज़िशन से है फ्लो से है एक तरतीब और या हम कह लें कि वो एक चीज़ जो एक साइड से शुरू हो के ट्रांज़िट होते हुए एंड तक जानी है तो अगर इसमें देखें तो इसमें अगर हम देखें तो चूंकि पिछले बंडल्स में हमने हमेशा कहा कि कंज्यूमर विल डिसाइड बिटवीन टू लेकिन ट्रांज़िटिविटी जो है ये हमेशा दो से ज़्यादा बंडल्स को देखते हुए हम करते हैं तो ट्रांजिटिविटी में एटलीस्ट मिनिमम तीन कंजम्पशन बंडल्स को हम देखते हैं कि बंडल ए इज़ प्रेफर टू बंडल बी एंड इफ़ बंडल बी इज प्रेफर टू बंडल सी देन बंडल ए विल बी ट्रांजिटिविटली एक्सप्रेस प्रेफरेंस ओवर द बंडल सी तो इस कम्बिनेशन में उसका डिसीजन हमेशा दो की बजाय तीन बंडल्स के अंदर सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस पे होगा थैंक यू